हे दोस्तों, वेलकम टू 10 आवर्स फॉर एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले डेटा सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो डेटा सिक्योरिटी पे जनरली जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं वो कुछ ऐसे कि भाई डेटा सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट्स लिखो। आइए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सिक्योरिटी की। जहां बात आती है डेटा की, जो क्लाइंट होता है क्लाउड का, उसके लिए भाई डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डेटा की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि जो क्लाउड का यूजर है, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जो क्लाउड को यूज करते हैं, या बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्लाउड को यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सिक्योरिटी आपका बहुत बड़ा इशू बन जाता है, ठीक है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखे, साथ ही साथ वो क्या करे, डेटा की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसको क्या, डेटा की अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट इंश्योर दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड डेटा इंटीग्रिटी, एंड थर्ड डेटा अवेलेबिलिटी। सो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा अवेलेबिलिटी, अगर से आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ये तीन चीजें प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका डेटा क्लाउड पे क्या है, सेफ है, सिक्योर है। सो आइए अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की। सो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है बेसिकली, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए जो यूजर ए है वो कोई डेटा, कोई मैसेज क्या करता है, बी को पास करता है, ठीक है, कि थ्रू दी एनी कम्युनिकेशन मीडिया, सपोज कर लीजिए इंटरनेट वो कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। सो जो यूजर ए है वो इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहा है, अब अपना डेटा पास कर रहा है किसको, यूजर बी को। सो यूजर बी क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, मतलब यूजर बी के लिए ही वो मैसेज बना हुआ है, यूजर बी को क्या करना चाहिए, वो मैसेज रीड करना चाहिए। लेकिन अगर से बीच में कोई अटैकर आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है और वो उस डेटा को, उस मैसेज को क्या कर लेती है, रीड कर लेती है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन नहीं हुई है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। सो आप बोल सकते हैं कि जो डेटा है बेसिकली, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी तभी मेंटेन होगी जो आपका इंटेंडेंट रिसिपेंट्स है, मतलब जो इंटेंडेंट रिसिपेंट है, रिसीवर है, जिसको, जिसके लिए वो मैसेज बना था, जिसके लिए वो मैसेज पास किया गया था, सिर्फ और सिर्फ वो ही रीड कर सकता है उस मैसेज को। अगर से ऐसा होता है तो बोल सकते हैं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। अदरवाइज अगर से कोई और थर्ड पार्टी उस मैसेज को रीड करती है, तो आप बोल सकते हैं कि डेटा की यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, डेंजर में है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं है। सो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली जो पैसिव अटैक होते हैं वहीं पे डेंजर में आ जाती है। पैसिव अटैक मतलब जो अटैकर है वो क्या कर रहा है, मिडल में बैठ के क्या कर रहा है, आपके डेटा को, आपके मैसेज को जो पास हो रहा है उसको सिंपली क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो आप क्या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे इजिली कि डेटा कोई रीड कर रहा है कि नहीं, तो वो थर्ड पार्टी बीच में बैठ के क्या कर रहा है, डेटा को सिंपली सिर्फ क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है। आइए अब बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। सो डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होता है, अगर से जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यूजर ए और यूजर बी का, अगर से यूजर ए कोई मैसेज पास करता है इंटरनेट के थ्रू या किसी और कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू पास करता है यूजर बी को, सो जो अटैकर है, अगर से बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई अटैकर क्या करता है, उस मैसेज को क्या करता है, ग्रैब कर लेता है, ले लेता है और उस मैसेज को मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करके फिर वो रिसिपेंट जो है, रिसीवर जो है, यूजर जो बी है, उसको क्या करता है, पास ऑन करता है। मतलब मिडल में जो आपका अटैकर है वो बैठ के यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा को सिर्फ रीड नहीं कर रहा है, डेटा को क्या कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, मतलब डेटा को अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, फिर उस मॉडिफाइड डेटा को, उस मॉडिफाइड मैसेज को क्या कर रहा है, पास ऑन कर दे रहा है यूजर बी को, ठीक है, रिसीवर को। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके जो डेटा है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, और जो अटैकर है उस मॉडिफाइड डेटा को क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है यूजर बी को। सो अगर से ऐसा होता है कि आपका डेटा एज इट इज पास होता है, डेटा में कोई चेंज नहीं होता है, यूजर बी तक एज इट इज आपका डेटा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन है। अगर से ऐसा नहीं होता है तो आप बोल सकते हैं डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं है और डेंजर में है।
जो डेटा की इंटीग्रिटी है बेसिकली वो कब डेंजर में आती है, जब एक्टिव अटैक्स होते हैं। एक्टिव अटैक बेसिकली क्या होते हैं, जब डेटा को अटैकर क्या करता है, रीड भी करता है और मॉडिफाई भी करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव अटैक। एंड पैसिव अटैक क्या होता है, बेसिकली जब हम डेटा को सिर्फ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मतलब अटैकर क्या कर रहा है, मिडल में बैठ के जो भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मैसेज पास हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, उसको क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, बैठ कर रीड कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डेटा को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं डेटा अवेलेबिलिटी की। सो डेटा अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे क्लाउड का ऑथेंटिकेटेड यूजर है, वैलिड यूजर है, ऑथराइज यूजर है, जिसने पैसे पे किया है, ठीक है, उस सर्विस के लिए, उस क्लाउड पे स्टोरेज को खरीदने के लिए, उसके लिए 24/7 आपकी जो रिसोर्सेस है, आपकी जो मेमोरी है, जो आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो स्टोरेज स्पेस है, वो 24/7 क्या है, ऑन डिमांड यूजर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका क्लाउड का मतलब पेड जो यूजर है, जिसने पैसे पे किया है उस सर्विस को लेने के लिए, ठीक है, उसने कुछ रिक्वेस्ट की और आपकी सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। 24/7 क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जो 24/7 अवेलेबिलिटी की बात आती है, तो डेटा की हो, चाहे रिसोर्सेज की हो, ठीक है, मेमोरी हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो या स्टोरेज हो, तो बेसिकली ये जो 24/7 अवेलेबिलिटी की बात आती है, ये कब डेंजर में होती है, जब डॉस अटैक होता है। डॉस अटैक बेसिकली क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आगे हम और किसी वीडियो में देखने वाले हैं। डॉस अटैक जब भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, आपकी जो डेटा की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डेंजर में आ जाती है। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू एप्रिशिएट माई वर्क, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एंड माई हैंड रिटन नोट फॉर द कंप्लीट सब्जेक्ट यूनिट वाइज, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।